स्टूडेंट्स हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश अलाइज इन वंडरलैंड का पार्ट 1 सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों हम देखते हैं अलाइज इन वंडरलैंड, वो स्टैंडर्ड 4 की स्टोरी है, पेज नंबर है 66। तो वन डे अलाइज वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्क्रैप बाय, कि एक दिन अलाइज वो ट्री के नीचे उसने किसी की आवाज़ सुनी। अलाइज वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, वो ट्री के नीचे बैठी थी तो, और वो लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी रीडिंग कर रही थी। सडनली ही वॉज वाइट रैबिट, वो एक बार वाइट रैबिट वो उसके सपने में आया ही, वाइट रैबिट उसने देखा। ही हैड पिंक आइज, वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, उसकी आइज पिंक थी और उसने ब्लू कोट पहना था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वाइट कोट पॉकेट एंड ही हरिड अवे। ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट। तो शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, वो सोच रही थी कि ये रैबिट तो बहुत ही थोड़ा सा अलग है। ही कुड टॉक, वो उससे बात कर सकती है। ही वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। अलाइज वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट, तो वो जैसे रैबिट से बात कर रही थी कि अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, जिसने वो ऐसा कोट पहनता है एंड रखा था ब्लू कोट, आप देख सकते हो। राइट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट। अलाइज वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। तो अलाइज को उसको वो क्यूरियोसिटी का मतलब है उसको कुछ जानने की इच्छा हुई कि ये रैबिट कहाँ जा रहा है, वो उसको फॉलो करती रही। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड अलाइज फॉलोड द रैबिट, रैबिट ने चलना शुरू किया, अलाइज उसको फॉलो कर रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, अलाइज जंप्ड इनटू द रैबिट होल। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। अलाइज सेड अलाउड वेयर आई एम, तो रैबिट अंदर के अंदर जा रहा था तो ये अलाइज भी उसके पीछे पीछे गई और वो ऐसे कुएं में गिर पड़ी। ऐसे अलाइज सेड लाउड, उसने जोर से चिल्लाया, वेयर आई एम, हाउ मेनी मिलियंस डाउन आई फॉलन, कि मैं गिर रही हूँ। आई मस्ट गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन के बीचों बीच ऐसे यहाँ पे जो कुएं के अंदर ज़मीन के बीचों बीच वहाँ पे वो गई। थम अलाइज लैंडेड ऑन द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सो द वाइट रैबिट अगेन, तो उसने फिर से वो वाइट रैबिट को वहाँ पे देखा। हाउ लेट इट्स गेटिंग, अलाइज स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचज हाई, इट वॉज टू स्मॉल फॉर अर टू थ्रो। शी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन, उसने देखा कि वहाँ पे एक 15 इंच की वो हाइट का वो एक छोटा सा डोर था, वहाँ पे वो डोर के अंदर गई तो उसने देखा कि शी ट्राई टू लिटल गोल्डन की इन द लॉक टू हर डिलाइट, वहाँ पे एक गोल्डन की मतलब वो सोने की ऐसी चाबी थी छोटी, वहाँ पे उसने देखा। अलाइज ओपन द डोर, उसने डोर को खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, उसके अंदर क्या था, ऐसा एक अच्छा सा गार्डन था। तो हाउ सी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, फाउंटेन थे। ओ आई विश कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, तो वो बोल रही थी हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं बहुत ही ऐसे छोटी दिख रही थी, ऐसा मैंने सपना देखा था जब मैं छोटी थी तब। राइट बच्चों, तो आपको स्टोरी समझ में आई होगी, इसलिए ऑथर का नाम है अलाइज इन वंडरलैंड बाय लुईस कैरोल। राइट, ओके, तो ये आपको स्टोरी समझ में आई। ओके, हम पार्ट 2 में सॉल्यूशन देखेंगे, तो टेक केयर एंड बाय बाय।